देश का हिंदू नहीं जानता अमरनाथ की यात्रा का इतना बड़ा सच क्यों अब तक रखा गया सच्चा। अमरनाथ यात्रा का सच अमरनाथ धाम की पवित्र यात्रा से हिंदू धर्म के लोगों की अगाध आस्था है। हर साल लाखों की संख्या में लोग अमरनाथ यात्रा करते हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। इसमें कुछ सच है तो कुछ झूठ। अमरनाथ यात्रा को लेकर एक ऐसा ही झूठ सदियों से चला आ रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं उस झूठ के बारे में जो हमेशा में अमरनाथ यात्रा के लिए कहा जाता रहा है। दरअसल आपने सुना होगा कि अमरनाथ की पवित्र गुफा की पहली बार एक मुस्लिम कदरिया ने देखा था। उस मुस्लिम का नाम बूटा मलिक था। इस कहानी को बताने वाले कहते हैं कि एक मुस्लिम कदरिया ने 1850 में भगवान शिव का हिमलिंग देखा था। मुस्लिम कदरिया ने ये बात आकर लोगों को बताई और इसके बाद से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग इस कदरिया की कहानी को सच मानते आ रहे हैं, लेकिन ये एक कोरा झूठ है और अमरनाथ यात्रा का अनंत काल पुराना इतिहास है। अमरनाथ यात्रा और भगवान शिव की हिमलिंग के साक्ष्य 5 शताब्दी में लिखी गई पुराणों से लेकर 12वीं शताब्दी में कश्मीर पर लिखे गए ग्रंथ राजतरंगिणी में मिलते हैं। 16वीं शताब्दी में अकबर शासन में लिखी गई आयन के अकबरी में भी बाबा बर्मानी का जिक्र है। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के फ्रेंच डॉक्टर फ्रैंकोइस बैनर की किताब और 1842 में ब्रिटिश यात्री जी टी बैकने की किताब में भी अमरनाथ यात्रा के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे साबित होता है कि मुस्लिम गदरिया की कहानी सच नहीं थी। सच ये है कि बाबा बर्फानी का पौराणिक इतिहास कई हजार साल पुराना है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें